Good morning. दोस्तों डीपी क्रॉस फिर एक बार हम लोग लेके आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ब्रूडिंग इस बार हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हुए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास एक बैच कल आई है और एक बैच आज रात में आई हुई है, तो दोनों बैच को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। एक दो दिन में मैं इन्हें एक साथ कर दूंगा, लेकिन आप देख सकते हो ये वाला चूज़ा भी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। ये जो आज आया हुआ चूज़ा है और ये जो आप देख रहे हो ये कल आया हुआ चूज़ा था। ज़्यादा कुछ डिफरेंस हम लोगों ने नहीं रखा है, बीच में खाली कार्टून बॉक्स रखा हुआ है जिसके ऊपर से चूज़ा एक ही दिन में इधर से उधर होना चालू कर देगा। दोस्तों ब्रूडिंग में हम लोग ब्रूडिंग की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि मैं ब्रूडिंग के बारे में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, लेकिन जो भाई नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि एक चिक्स के ऊपर आपको 2 वैट लाइट लगाना है। जैसे कि आपके पास 100 चूज़े हैं तो आपको 200 वैट का लाइट लगाना है आपके यहाँ पे, और जब सबसे पहले चूज़ा आता है तो आपको उन्हें गुड़ पानी देना है। आधा घंटा तक तो गुड़ पानी ही चलाना है, आधा घंटा के बाद उन्हें फ्री स्टार्टर आप दे सकते हो। जब चूज़ा आता है तो फ्री स्टार्टर देंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सीधा स्टार्टर से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें खाने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और ग्रोथ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि जब चूज़ा आता है तो आप प्री स्टार्टर से ही शुरुआत करो। 3 दिन तक हम लोग पानी में इन्हें एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपनी का एंटीबायोटिक पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। मैं किसी स्पेशल ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन सी पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों 3 दिन तक हम लोग जब इन्हें एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीबायोटिक के साथ साथ हम लोग 3 दिन इन्हें मल्टीविटामिन भी चला देते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम लोग 2 दिन तक कुछ नहीं देते हैं, फिर छठवें दिन या फिर 7वें दिन पे हम लोग इनका वैक्सीनेशन कर देते हैं दोस्तों। तो 7 दिन का मैनेजमेंट मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है दोस्तों। तो जब भी आप चूज़ा लेके आओगे तो ये जो 7 दिन है, पहले वाले 7 दिन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि 7 दिन में अगर आप लोग अच्छे से ब्रूडिंग कर देते हो तो बाकी आगे जाके कुछ तकलीफ़ आप लोग को नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि ब्रूडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रूडिंग में अगर हम लोग कुछ गलती कर देते हैं तो आगे जाके चूज़ा बीमार हो जाता है, या ब्रूडिंग में ही चूज़ा बीमार हो जाता है तो मॉर्टेलिटी चालू हो जाती है। तो ब्रूडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्रूडिंग अगर आप सही से कर पाओगे तो आप मुर्गी पालन पूरी तरह से अच्छे से कर पाओगे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों यही अपडेट है, आगे की अगर वीडियो में कुछ अपडेट रही तो मैं आप लोग को देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।